L < 0 पे आपके तीन कंडीशन बनती हैं, और पहले तो आप ऐसे बता दीजिएगा कि इसका पैराबोला कौन सा होगा। तो इसका पैराबोला आप होगा डाउनवर्ड पैराबोला। इसका सर डाउनवर्ड पैराबोला होगा तो कितने पैराबोला होंगे, वही तीन कंडीशन होगी। कितनी कंडीशन होगी, थ्री कंडीशन होगी। कौन कौन सी थ्री कंडीशन होंगी वो भी देख लीजिएगा। थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं इसको। हाँ जी, तीन कंडीशन कौन कौन सी होगी। पहली L < 0, D > 0। दूसरी L < 0, D = 0। तीसरी L < 0, D < 0। हाँ जी, ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ बनाते हैं। तो ये बनेगा ग्राफ आपका, एक्सिस है। हाँ जी, ध्यान से सुनिएगा। पैराबोला होगा डाउनवर्ड, और इस तरीके का पैराबोला होगा आपका। ये यहाँ ये होगा, और ये इस तरीके का होगा। हाँ जी, ध्यान से सुनिएगा। ये एक रूट होगा अल्फा, दूसरा रूट होगा बीटा। तो आप क्या बोल सकते हैं इसको कि रियल रूट्स होंगे और डिस्टिंक्ट रूट होंगे। तो इसमें बोल दीजिएगा कि रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। इसका मतलब मैंने थोड़ी देर पहले वाली क्लास में भी समझाया कि अलग अलग। हाँ जी, अब ध्यान से सुनिएगा। इसके रूट्स रियल होंगे और इक्वल होंगे, तो हम लिख दीजिएगा रूट्स आर रियल एंड इक्वल। इसको कौन से डेंट रूट भी बोला जाता है। कॉन्सिडेंट रूट्स भी बोला जाता है। कौन सा रूट बोला जाता है, कॉन्सिडेंट रूट्स। इंपॉर्टेंट, ध्यान से रखिएगा ये बात जो मैंने लिखी है, ये जो लिखा है, ये जो लिखा है ना, ये वाली, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये क्वेश्चन में बहुत बार पूछी जाती है भाई। और इसमें क्या होगा, रूट्स आर इमेजिनरी। और ये ग्राफ आपका क्या है, नो कट नो टच। ये ग्राफ ना तो कट करता है और ना ही टच करता है। तो ध्यान से सुनिएगा, ये ग्राफ है अक्ष अक्ष से अबव। ये आपका अबव अक्ष अक्ष, और ये है आपका अक्ष अक्ष के ऊपर। तो हम लिख देंगे ऑन अक्स एक्सिस। और ये वाला ग्राफ है बिलो अक्स एक्सिस। हाँ जी, ठीक है। ये आपकी अल्फा की बात हो गई, ये बात बीटा की हो गई, और ये आपका अक्स एक्सिस है। ये भी आपका अक्ष एक्सिस है, और ये भी आपका अक्ष एक्सिस है। वही जो एडवांस की बात करते हैं तो थोड़ा सा ठीक ठाक लेवल से बातें की जाएगी, है ना। मेरे को आप इतना बता दीजिएगा कि ऊपर वाला इलाका कितना है, ये वाला, जैसे हमने थोड़ी देर पहले रेड से मार्क किया था ऊपर वाला, तो ये ऊपर वाला कौन सा है।
ये वाला ग्राफ कौन सा है? तो ये है अक्ष अल्फा से बड़ा और बीटा से छोटा, तब आपकी वाई क्या होगा? तब आपका वाई होगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ध्यान से सुनिएगा, मैं बार बार वही बात बोल रहा हूँ जो थोड़ी देर पहले बोल रहा था, बस चेंजमेंट का थोड़ी देर दिक्कत है कि आप किस तरीके से कहाँ चेंज कर सकते हो। अक्स इक्वल टू अल्फा हो एंड अक्स इक्वल टू बीटा हो, तब आपका वाई क्या होगा? वाई आपका 0 होगा, इसी पॉइंट पे अल्फा और इसी पॉइंट पे बीटा। बात करते हैं नीचे वाले की, तो नीचे वाला क्या है? ये है वाइट वाला। तो ये कहाँ से कहाँ तक है? ध्यान से सुनिएगा, ये अक्ष से अल्फा से छोटा है यूनियन बीटा से क्या है? बड़ा। अक्ष आपका अल्फा से छोटा है, अक्ष आपका अल्फा से छोटा है और बीटा से क्या है? बड़ा है। तो आपका वाई क्या आएगा? वाई आएगा आपका लेस देन इक्वल टू 0। इम्पोर्टेंट बातों में ये पॉइंट है, याद रखिएगा। हाँ जी, और यहाँ अक्स आपका क्या है भाई? हाँ, अक्स इक्वल टू अल्फा है, तो ये दोनों रूट क्या होंगे? अल्फा अल्फा है, सेम रूट होंगे। तो यहाँ वाई इक्वल टू क्या होगा आपका? 0। और दूसरी बात आप बोलिएगा कि माइनस इन्फिनिटिव से प्लस इन्फिनिटिव, इसमें से बस अल्फा को उठा दीजिएगा, तो वही आपका क्या आएगा? वही आपका लेस देन 0 आएगा। जो नेक्स्ट लास्ट वाली बात हम करने वाले हैं, ए लेस देन 0 डी लेस देन 0, तो हमने बोला है कि रूट्स आर इमेजिनरी, नो कट नो टच, इसकी बात करेंगे। इंपॉर्टेंट चीज है तो समझिएगा। ये यहाँ है आपका, यहाँ समझिएगा, ये यहाँ है कि अक्स आपका माइनस इन्फिनिटिव से प्लस इन्फिनिटिव तक है, जहाँ वाई आपका लेस देन 0 है। वाई लेस देन 0 इसलिए है क्योंकि अक्स अक्ष से नीचे है। अक्स अक्ष से नीचे होता है तो वाई नेगेटिव होता है, अक्स अक्ष से नीचे होता है तो वाई नेगेटिव होता है। वाई नेगेटिव है तो जो आपका क्वाड्रेटिक फंक्शन था वो नेगेटिव होगा। सर वाई नेगेटिव है तो कहाँ? अरे अक्स बिलोंग्स टू आर ले ले तू, कहीं भी अक्स की कुछ भी वैल्यू रख। सर मैं अक्स की वैल्यू कुछ भी रखूं, यहाँ रखूँ तो देख नेगेटिव आएगा। तो अक्स की कुछ भी वैल्यू पे आपके जो क्वाड्रेटिक फंक्शन है, ए अक्स स्क्वायर प्लस बी अक्स प्लस सी, ये भी क्या होगी? लेस देन इक्वल टू 0। इसको और तरीके से, उल्टे तरीके से भी बोला जा सकता है। उल्टा तरीका कौन सा है कि यदि ए लेस देन 0 है, डी लेस देन 0 है, देन ए अक्स स्क्वायर प्लस बी अक्स प्लस सी लेस देन 0 होगा। या फिर इसको इस तरीके से भी बोल सकते हैं कि यदि ए अक्स स्क्वायर प्लस बी अक्स प्लस सी 0 लेस देन इक्वल टू 0 है, देन तुम्हारा ए भी 0 होगा, लेस देन 0 होगा और डी भी लेस देन 0 होगा। कन्वर्सली भी बोला सकते हैं इसको। तो ये जो ग्राफ की चीज है, इंपॉर्टेंट चीजें हैं, याद रखिएगा। इसके मोटी मोटी दो चीजें हैं जहां से क्वेश्चंस बनता है ना, एक वाला ये थर्ड वाला, हाँ, और दूसरा ये थर्ड वाला, ये भी थर्ड ही है। हाँ जी, साथ साथ लिख लीजिएगा, दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नो कट नो टच का एक, दोनों ही इमेजिनरी रूट देंगे, एक में पैराबोला अपवर्ड होगा, अपवर्ड होगा, नो कट नो टच करेगा, नो कट नो टच करेगा, तो आपका ए ग्रेटर देन 0 होगा, डी लेस देन 0 होगा, दोनों में डी लेस देन 0 है। और दूसरा आपका इमेजिनरी रूट होंगे, पैराबोला डाउनवर्ड होगा, डाउनवर्ड होगा, तो ए लेस देन 0 है, डी लेस देन 0 है, बात खत्म हो जाती है।